हरियाणा में धान की सरकारी खरीद की समय सीमा 25 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। बीते 15 नवंबर को सरकारी धान की खरीद बंद कर दी गई थी, लेकिन परमल धान को लेकर लगातार खरीद की समय सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर हरियाणा सरकार ने ये फैसला लिया है। दरअसल फतेहाबाद समेत कई जिलों में बाढ़ के चलते इस बार किसानों ने काफी देरी से धान की बिजाई की थी, जिसके चलते फसल लेट तैयार हुई और अब सरकारी खरीद की मांग होने पर समय सीमा को 25 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। इसको लेकर सरकार द्वारा प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों को पत्र भी जारी कर दिया गया है। देखिए, जिला फतेहाबाद में धान की खरीद को दोबारा से शुरू करने का निर्णय लिया गया है और उसकी वजह यही है कि हमारे यहाँ पे बाढ़ की वजह से काफ़ी लेट सोइंग हुई थी, जो कि अभी मंडियों में आ रही है और जो नॉर्म्स थे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के, उसके हिसाब से 15 नवंबर को खरीद सीजन बंद हो गया था। तो हमने यहाँ के किसानों की डिमांड के मद्देनज़र ये प्रपोजल भेजा था कि इसको थोड़ा बढ़ाया जाए और अब गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। ये खरीद आज से शुरू हो गई है ऑलरेडी, इसके रिगार्डिंग मैं सुबह मीटिंग ले चुका हूँ, तो करीब 7 सेंटर पे हमने आज सुबह से परचेज शुरू कर दी है और ये इस शनिवार को 25 तारीख तक को रहेगी। आप लोगों के माध्यम से मैं सभी किसान भाइयों से अपील करना चाहूँगा कि इस हफ्ते अपनी फसल काट के मंडी में ज़रूर ले आए, क्योंकि इसके बाद एक्सटेंशन दोबारा से नहीं मिल पाएगी। सर, क्या लगता है कि इन 25 तारीख तक जो किसान हैं वो अपनी पूरी धान की फसल ले पाएंगे, या क्योंकि बाढ़ की वजह से फसलें? जी बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि ये डेफिनेटली ले लेंगे, क्योंकि 25 नवंबर आ गया है और अगली गेहूँ की फसल के लिए भी लेट हो जाएगी अदरवाइज, तो 25 तक जो है अपनी फसल काट ले ताकि अगली फसल के लिए भी सही समय पर बिजाई हो सके। कई बार देखने में आता है कि जब लेट सोइंग होती है वीट की, तो जब मार्च और अप्रैल में गर्मी आती है तो इमीडिएटली वो पौधा सूख जाता है और पैदावार कम होता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लेट सोइंग भी गेहूं की रिकमेंडेड नहीं है। तो मुझे उम्मीद है ऑलमोस्ट 10% के आसपास का एरिया, मेनली रतिया में, जाखड़ में, कोला में, ये एरिया हमारे बचे हुए हैं जहाँ पर बाढ़ आई थी, बाकी जगह से तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस हफ्ते 25 तारीख तक सारा का सारा जो धान है वो मंडियों में आ जाएगा। फतेहाबाद के डीसी अजय सिंह तोमर ने जिले के किसानों से जल्द फसल की कटाई कर मंडियों में लाने की अपील की है और साथ ही ये भी कहा है कि 25 नवंबर के बाद धान की सरकारी खरीद बंद कर दी जाएगी। सरकार के इस फैसले से किसानों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि किसान संगठनों द्वारा लगातार सरकार और प्रशासन को पत्र लिखकर खरीद की सीमा बढ़ाने की मांग की जा रही थी। फतेहाबाद से रमेश भट्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।